फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल एडिशन हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ है। आज के लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल के अदर ऑपरेशंस के साथ डील करते हैं एंड लेट्स से आज हम लोग पॉलिनोमियल सब्सट्रैक्शन देखते हैं। सो लेट्स से हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x पावर 8 प्लस 4x पावर 6 प्लस 7x पावर 4 माइनस x³ प्लस 9। एक पहला पॉलिनोमियल हमारे पास ये है और दूसरा पॉलिनोमियल लेट्स से हमारे पास है 4x पावर 8 प्लस x पावर 7 माइनस 2x पावर 6 प्लस x पावर 5 माइनस 3x³ एन प्लस 8। मान लेते हैं हमारे पास ये दो पॉलिनोमियल हैं और हमें इन दोनों पॉलिनोमियल का सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो पॉलिनोमियल का सब्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म किया जाएगा? हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो हम जितने भी सेकेंड पॉलिनोमियल के टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उनके कोफिशिएंट के साइन को चेंज कर देते हैं। तो जो प्लस साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड जो सेकेंड जो माइनस साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये पॉली 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये पॉलिनोमियल 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो देन फाइनली आप पॉलिनोमियल 1 प्लस पॉलिनोमियल 2 कर सकते हैं आफ्टर चेंजिंग द साइन। सो सब्सट्रैक्शन इज मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन द पॉलिनोमियल एडिशन। सो अगर हम इसी एग्जांपल से समझें, सो 3 एंड -4 -1 हो गया, सो दिस इज -x पावर 8 एंड 4। देन आप ले सकते हैं बड़ा वाला एक्सपोनेंट का टर्म -x पावर 7, देन ये टर्म और ये टर्म में देख सकते हैं आपकी कोफिशिएंट सेम है, सो दिस हैज बिकम 6x पावर 6 एंड देन 5 वाला कोई टर्म है नहीं, केवल सेकेंड वाले पॉलिनोमियल में है, 4 वाला टर्म केवल फर्स्ट वाले में है, सो 7x पावर 4, 3 वाला दोनों में है, सो -1 एंड +3 इसका मतलब ये 2 हो गया, सो 2x³ and 9 minus 8 की वैल्यू हो गई 1. So we have this added polynomial. It means this is poly 1 minus poly 2. So आपने यहाँ पे काम ये किया है कि सबसे पहले जितने भी टर्म्स आपके सेकेंड पॉलिनोमियल में हैं उन सभी के साइन को आपने चेंज करके एंड देन पॉलिनोमियल एडिशन को कॉल कर दिया है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट है और उस लिंक लिस्ट में उस लिंक लिस्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया कि उस लिंक लिस्ट के हर नोड में 3 फील्ड्स हैं। एक है कोफिशिएंट फील्ड, एक है एक्सपोनेंट फील्ड और एक है नेक्स्ट फील्ड। सो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट को देखते हुए हमने पॉलिनोमियल 1 एंड पॉलिनोमियल 2 नाम की लिंक लिस्ट बना रखी है। तो ये एक एल्गोरिथम है जो कि पॉलिनोमियल सब्सट्रैक्शन के लिए वर्क करेगा। सो पॉलिनोमियल सब्सट्रैक्शन में जो पैरामीटर्स पास होंगे हमारे पास, एक होगा पॉली 1 एंड एक होगा पॉली 2. So, इसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले सेकेंड पॉलिनोमियल के हर एक कोफिशिएंट को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि p इज इक्वल्स टू पॉली 2। इसके बाद फिर हम सेकेंड पॉलिनोमियल को ट्रैवर्स करते हैं। वी आर राइटिंग द एल्गोरिथम्स, लेट मी राइट इन द एल्गोरिथमिक टर्म्स। सो व्हाइल p इज नॉट इक्वल टू नल, डू p डॉट कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाइड विथ p डॉट कोफिशिएंट। तो इस तरह से सभी के सभी जो टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को हमने चेंज कर दिया है और -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके बाद आप फिर नए टर्म पे, नेक्स्ट टर्म पे मूव कर सकते हैं बाई p इज इक्वल टू p डॉट नेक्स्ट। सो दिस चेंजेस द साइन एंड इस साइन के चेंजेस के बाद आपको क्या करना है कि पॉलिनोमियल एडिशन नाम का, मान लेते हैं कि हमारे पास पहले से फंक्शन बना हुआ है, सो दिस इज दी पॉलिनोमियल एडिशन एंड इसमें आपने पॉली 1 एंड पॉली 2 को आपने पास कर लिया है। लेट्स से ये आपको एक रिटर्न करके देता है पॉली 3 और फाइनली आप क्या करेंगे कि इस पॉली 3 को रिटर्न कर देंगे एंड पॉली 3 ही आपका आंसर है, पॉली 3। So this is the polynomial subtraction algorithm. तो आइए इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और मान लेते हैं कि हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी बने हुए हैं और इसमें हमें पॉलिनोमियल सब्सट्रैक्शन करके देखना है। और सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं कि हमारा कौन कौन से पॉलिनोमियल है। सो पॉली 1 एंड पॉली 2 दो पॉलिनोमियल हैं। पॉली थ्री में हमारे पास स्टोर होगा आंसर। सो पॉली वन में हमने इन टर्म्स को क्रिएट किया है और सभी टर्म्स को इंसर्ट बिगिनिंग फंक्शन को कॉल करके इंसर्ट किया है। इंसर्ट बिगिनिंग फंक्शन को कॉल करके इंसर्ट करने से एक बार हम इसमें बना के भी देख लेते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो -9x पावर 0 रिप्रेजेंट कर रहा है ये पहले टर्म के अकॉर्डिंग। देन हमारे पास है 1x पावर 1, इसका मतलब है कि दिस इज x पावर 1। देन इसके बाद -2x पावर 3, तो -2x पावर 3, and then 3x power 4, 3x power 4, and then -5x power 6, -5x power 6, and 4x power 7, 4x power 7, and 7x power 8। ये हमारा ये पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट हो रहा है इन लाइन ऑफ कोड से। तो ये पॉलिनोमियल वन है। इसी तरह से हम पॉलिनोमियल टू अगर देखें, सो पॉलिनोमियल टू में इंसर्ट बिगिनिंग फंक्शन से 3x पावर 1 हम इंसर्ट कर रहे हैं। इसके आगे हमने 5x पावर 2 इंसर्ट कर दिया, फिर इसके आगे हमने 3x पावर 3 इंसर्ट कर दिया, देन इसके बाद 2x पावर 5 इंसर्ट किया, फिर -x पावर 6 इंसर्ट किया, एंड देन 2x पावर 7 इंसर्ट किया। तो अगर आप ध्यान से देखें कि अगर इनका हमें एडिशन करना है तो एडिशन से आएगा 7x पावर 8, एंड देन इन दो टर्म्स का एडिशन होगा 6x पावर 7, देन -6x पावर 6, देन 2x पावर 5 आप देख सकते हैं, then 3x power 4, and then plus x cube, then 5x square, and then 4x power 1, and then 9, क्योंकि 9x power 0 का मतलब 9 ही होगा। तो एडिशन से हमारे ये टर्म्स जनरेट होंगे। सिमिलरली अगर हम सब्सट्रैक्शन करें तो सब्सट्रैक्शन में क्या करना है कि जितने भी पॉलिनोमियल टू के, ये पॉलिनोमियल टू हमारा है, इसके जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनके साइन को हमें चेंज कर देना है, -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका प्रभाव क्या होगा कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा, मैंने हमें पॉलिनोमियल 1 एंड पॉलिनोमियल 2 को ऐड करना है। तो 7x पावर 8 हुआ, साइन चेंज करने से ये 2x पावर 7 हो गया, देन -4x पावर 6, then -2x power 5, then 3x power 4, then -5x cube, and then -5x square, then -2x power 1, and -9। तो ये मेरा आंसर है। यहाँ पे भी -9 ही होगा। आई एम सॉरी, एक साइन की गलती मेरे से हुई थी। ये सब्सट्रैक्टेड टर्म है। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल का सब्सट्रैक्शन करेंगे। पहले हम एडिशन करके आंसर देख लेते हैं, एंड देन सब्सट्रैक्शन करके आंसर देख लेते हैं। पॉलिनोमियल सब्सट्रैक्शन का जो फंक्शन है एक बार जरा यहाँ पे रेफर कर लेते हैं। ये सब्सट्रैक्ट पॉलिनोमियल नाम का एक फंक्शन है जिसमें हमने पॉली 1 और पॉली 2 पास किया है। पॉली 3 में हम आंसर स्टोर कर रहे हैं। पॉली 3 में हम बिगिनिंग में इंसर्ट करेंगे एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे साइन चेंज होंगे। तो हर साइन में -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है जैसे कि हमने एल्गोरिथम में लिखा था, एंड देन पॉलिनोमियल एडिशन एल्गोरिथम को कॉल करके पॉलिनोमियल्स को ऐड कर दिया है। पॉली 3 में हमारा आंसर स्टोर है और इसी आंसर को हम रिटर्न कर रहे हैं। आइए अब हम पॉलिनोमियल एडिशन को भी एक बार देख लेते हैं। पॉलिनोमियल एडिशन में हमने p = poly 1 माना, q = poly 2 माना। जब तक दोनों में टर्म्स हैं p और q में, मतलब कि फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल में अगर एक्सपोनेंट्स इक्वल हैं तो हमने उसको उस टर्म को इंक्लूड किया है थर्ड लिंक लिस्ट या पॉलिनोमियल 3 लिंक लिस्ट में बाय एडिंग दी कोफिशिएंट्स। p और q दोनों को आगे प्रोग्रेस करा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हमने ये चेक किया कि क्या अगर p का एक्सपोनेंट बड़ा है q के एक्सपोनेंट से, तो इसको हम थर्ड लिंक लिस्ट में या थर्ड पॉलिनोमियल में ऐड कर दे रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है कि p का एक्सपोनेंट बड़ा है तो निश्चित रूप से q का एक्सपोनेंट बड़ा होगा। हमने q वाले टर्म को पॉलिनोमियल में ऐड कर लिया है थर्ड पॉलिनोमियल में। तो जब तक कंपेरिजन पॉसिबल है तब तक ये वर्क हो रहा है। जब कंपेरिजन पॉसिबल नहीं होगा तो फर्स्ट लिंक लिस्ट के या फर्स्ट पॉलिनोमियल के बचे हुए सारे टर्म्स को 1 by 1 हम ऐड कर लेंगे फाइनल पॉलिनोमियल में। और अगर सेकंड वाले लिंक लिस्ट में या सेकंड वाले पॉलिनोमियल में कुछ टर्म्स बचे हैं तो उनको 1 by 1 इंक्लूड कर लेंगे थर्ड पॉलिनोमियल में। आप ध्यान से देखिए कि चाहे ये फंक्शन हो जिसमें कि हम कंपैरिजन करके टर्म्स को ऐड कर रहे हैं या फिर रेसिडुअल टर्म्स या बचे हुए टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं बाद के दो लूप से, दोनों में ऐसा होगा कि जैसे जो बड़ा टर्म होगा वो पीछे की तरफ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी लिंक लिस्ट कुछ इस तरह से बनेगी। सो इस तरह से क्या होगा कि जो छोटे टर्म होंगे वो आगे की तरफ होंगे और जो बड़े टर्म है वो लिंक लिस्ट में पीछे की तरफ होंगे। लेकिन यूजुअली जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है पॉलिनोमियल में, वो बड़े टर्म्स आगे की तरफ होते हैं और छोटे टर्म पीछे की तरफ होते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो लिंक लिस्ट हमें मिलेगी उसको हमें रिवर्स करना होगा। तो इसीलिए हमने जो पॉलिनोमियल 3 लिंक लिस्ट हमें मिली है उसको हमने इन प्लेस रिवर्स कर दिया है। आइए इसका रिवर्स का भी एक बार कोड देख लेते हैं। So this is the code for the reverse। ये सिंपली हमने एक लिंक लिस्ट हमें पास है जिसके फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टार्ट है, करंट प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर का यूज करके हमने इस लिंक लिस्ट को रिवर्स किया है। करंट हमारा फर्स्ट नोड पे है, p null है इनिशियली, और जो n है वो सेकंड नोड पे है, मतलब कि फर्स्ट नोड के आगे है। जब तक c null नहीं हो जाता, जब तक करंट नोड null नहीं हो जाता, तब तक हम रिवर्स प्रोसेस करते रहेंगे। करंट नोड के नेक्स्ट में हम p मतलब प्रीवियस का एड्रेस रख देते हैं, देन आगे मूव करा देते हैं, पी को प्रीवियस को करंट पे, करंट को नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट को आगे और बढ़ा देते हैं। ओके और चूंकि हम करंट नॉट नल तक हम प्रोसेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि करंट के नल होने पे प्रोसेस को फिनिश करेंगे तो नेक्स्ट उससे पहले नल हो जाएगा। तो इसलिए उसको कंटेन करने के लिए हमने देखा है कि नेक्स्ट को आप तभी आगे बढ़ाएं जबकि नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो इस तरह से हम करते रहेंगे और जब करंट नल हो जाएगा तो प्रीवियस लास्ट नोड पे होगा, लास्ट नोड ही फर्स्ट नोड अब बन गया होगा। यहाँ पे ही हम स्टार्ट को पिक कर लेते हैं या स्टार्ट को हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं या स्टार्ट में इस नोड पी नोड का एड्रेस रख देते हैं जो कि पहले लास्ट नोड था, अब ये फर्स्ट नोड बन गया है। तो ये हमारे लिए रिवर्स प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। नाउ सबट्रैक्ट पॉलिनोमियल करने के बाद हमने रिटर्न कर दिया पॉली 3 और मेन में हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल एडिशन करके देखा है कि क्या रिजल्ट है, देन हमने पॉलिनोमियल को सब्सट्रैक्ट करके देखा है कि क्या रिजल्ट है। आइए इसको हम रन करके देखते हैं। सो यू कैन सी दैट दिस इज द आंसर और शायद यही जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एडिशन और सब्सट्रैक्शन से। तो ओरिजिनल पॉलिनोमियल हमारा, आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं जो हमने डिस्कस किया था उसके साथ। आप वीडियो को पीछे ड्रैग करके ले जाइए और उसमें आप आंसर के साथ इसको मैच करा लीजिए। ये एडेड पॉलिनोमियल है एंड ये हमारा सब्सट्रैक्टेड पॉलिनोमियल है। ये दोनों ओरिजिनल पॉलिनोमियल्स हैं हमारे, ये पॉली 1 है और ये पॉली 2 है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने अभी देखा कि पॉलिनोमियल एडिशन और पॉलिनोमियल सब्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। नाउ अगर आपको ध्यान से देखें और एक हम एक एग्जाम्पल लें तो एक और चीज हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल का पहला टर्म है 7x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 9, एंड देन इसके बाद जो दूसरा पॉलिनोमियल है लेट्स से उसमें जो टर्म्स है वो है 8x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस लेट्स से 9। नाउ जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के टर्म्स के सारे या सेकंड पॉलिनोमियल के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। इन दोनों टर्म्स के साथ जब आप एडिशन परफॉर्म करेंगे तो ये -x पावर 5 प्रोड्यूस करेगा। इनका जब आप एडिशन परफॉर्म करेंगे तो ये सेम टर्म्स हैं, सेम कोफिशिएंट वाले टर्म है। हालांकि आप इसको जरूर लिखेंगे, इसमें ऐसे लिखा जाएगा 0 × x पावर 4 अभी करंट के हिसाब से, एंड देन इसके बाद यहाँ पे x क्यूब लिखा जाएगा -x क्यूब। फिर ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो इसलिए यहाँ पे प्लस 0 × x स्क्वायर जनरेट होगा, यहाँ से -4x आएगा, एंड देन इन दोनों के एडिशन से 0 × x पावर 0 आएगा। तो ये पॉलिनोमियल जिसमें कि 0 टर्म है उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमें काम ऐसा करना चाहिए कि आपको 0 कोफिशिएंट वाले सारे टर्म्स को डिलीट कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अब आप एक प्रोसेस इसमें जो पॉली 3 आपको मिला हुआ है इस पॉलीथ्री में आप एक प्रोसेस लगा सकते हैं और उस प्रोसेस में ऐसा किया जा सकता है कि ऐसे सारे के सारे टर्म्स जिनके कोफिशिएंट जीरो हैं उन सबको आपको डिलीट कर दें। तो इस प्रोसेस को हम परफॉर्म कर सकते हैं एक छोटा सा पार्ट ऑफ कोड ऐड करके अपने प्रोग्राम में। तो आइए हम इसकी कोशिश करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिलीशन ऑफ ऑल अपीयरेंसेस ऑफ एक्स का एक प्रोग्राम बनाया था, तो हम उस वहां से कॉपी कर लेते हैं। डिलीशन ऑफ ऑल अपीयरेंसेस ऑफ एक्स, डिलीशन ऑफ ऑल अपीयरेंसेस ऑफ एक्स के फंक्शन को डिलीशन बिगिनिंग एंड डिलीशन आफ्टर की जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और अपने प्रोग्राम में इसको इंक्लूड करा लेते हैं। सो ये हमने दोनों इंक्लूड कर लिया है, डिलीशन ऑफ ऑल अपीयरेंसेस एंड देन हमने फाइन। सो हमने अब एक काम किया कि सबस्टैक पॉलिनोमियल जहाँ पे भी हमने किया है उस सबस्टैक पॉलिनोमियल में जो पॉली 3 है उसमें डिलीशन ऑफ ऑल अपीयरेंसेस ऑफ एक्स को डिलीट कर देते हैं। सो एड्रेस ऑफ पॉली 3 इसमें हम पास कर देते हैं एंड देन इसके बाद एड्रेस ऑफ पॉली 3 में हम पास कर देते हैं 0 जो कि कोफिशिएंट को रेफर करेगा और जैसे ही कोफिशिएंट 0 होगा हम उस वाले टर्म को डिलीट कर देंगे। थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा डिलीशन ऑफ ऑल ऑकरेंसेज वाले को, जहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन चेक किया था उसकी जगह हमें कोफिशिएंट चेक करना पड़ेगा। तो जिस टर्म के कोफिशिएंट में 0 आएगा हम उस टर्म को डिलीट कर देंगे बाय कॉलिंग द फंक्शन डिलीट बिगिनिंग और डिलीट आफ्टर। ये जो हमने डिलीशन ऑफ ऑल ऑकरेंसेज का टास्क किया है ये ना केवल पॉलिनोमियल सब्सट्रैक्शन में रिक्वायर्ड है बल्कि पॉलिनोमियल एडिशन में भी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि जब आप एडिशन करेंगे और नीचे वाला टर्म नेगेटिव होगा और ऊपर वाले के कोफिशिएंट के साथ वो मैच करेगा, वो कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट दोनों मैच करेंगे। तो उस केस में आप 0 कोफिशिएंट ऑब्टेन करेंगे, उसको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा अपने लिंक लिस्ट से। तो आइए हम एक ऐसी लिंक लिस्ट बनाते हैं जिसमें कि कोफिशिएंट 0 आ सकते हैं। तो पहली पॉलिनोमियल लिस्ट हम वैसे ही रहने देते हैं और दूसरी पॉलिनोमियल लिस्ट में हम कुछ चेंजेस करते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ पे कर दिया 5 -5 यहाँ पे कर दिया तो सेम टर्म हो गए। पावर 5 का टर्म नहीं है, पावर 3 वाले में हम सेम कोफिशिएंट रख लेते हैं। लेट्स से -2 हमने रख लिया। x² का टर्म नहीं है यहाँ पे और 1 वाले में भी हम सेम कोफिशिएंट रख लेते हैं। तो अब इसके बाद बस एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं अपने पॉलिनोमियल सब्सट्रैक्शन फंक्शन को जिसमें हमने पॉली 3 ऑब्टेन किया, जिसमें कि पॉलिनोमियल एडिशन से हमने पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई कर लिया है और पॉलिनोमियल एडिशन के बाद हमने पॉली 3 में उन सभी कंटेंट्स को डिलीट कर दिया है जिनका कोफिशिएंट 0 है। रन करके देखते हैं इसको। फाइन। तो सब्सट्रैक्टेड पॉलिनोमियल में जो एक्सपेक्टेड है आप इसी जो डिस्प्लेड टर्म्स हैं उनके हिसाब से अगर आप देखें कि पावर 6 वाला टर्म हमारे अब सब्सट्रैक्टेड पॉलिनोमियल में नहीं है, पावर 3 वाला भी टर्म हमारे सब्सट्रैक्टेड पॉलिनोमियल में नहीं है और पावर 1 वाला टर्म भी हमारे सब्सट्रैक्टेड पॉलिनोमियल में नहीं है। तो ये तो सब्सट्रैक्शन की बात हो गई। इसी तरह से आप इसमें इसको इंक्लूड कर सकते हैं पॉलिनोमियल एडिशन में भी, क्योंकि पॉलिनोमियल एडिशन में भी सेम सिचुएशन आ सकती है। तो रादर देन टेकिंग इट अप इन दी पॉलिनोमियल सब्सट्रैक्शन जो कि कॉल कर रहा है पॉलिनोमियल एडिशन को, आप इसको पॉलिनोमियल एडिशन में ही रख लीजिए जिससे कि ना केवल ये पॉलिनोमियल सब्सट्रैक्शन के लिए वर्क करे बल्कि पॉलिनोमियल एडिशन के लिए भी वर्क करे। तो यस, आप देख सकते हैं कि सेम वही सिचुएशन यहाँ पे या सेम उसी वही लिंक लिस्ट हमारी ऑब्टेन हो रही है अगर हमने डिलीशन ऑफ ऑल ऑकरेंसेज ऑफ एक्स को इंक्लूड कर लिया पॉलिनोमियल एडिशन में। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा और आप इसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करके एक अच्छा सा कोड लिखेंगे पॉलिनोमियल के अर्थमेटिक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।